हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक गजब का सेटअप लेकर आया हूँ। इस सेटअप में रहेंगे चार टॉप डबल 15 इंजन में 400 वाट की स्पीकर रहेगी। इसमें रहेंगे दो डुअल 18K बेस जिसमें दो 2000 वाट की बेसें रहेंगी। ये टॉप चलेंगे MT1201 यानी 1201 NX ऑडियो के एम्पलीफायर पे और बेस चलेंगे MT1601 यानी NX ऑडियो के 1601 एम्पलीफायर पे। इनके साथ क्रॉसओवर, मिक्सर, वायरिंग सभी कुछ दिया हुआ है। 3 लाख के अंदर बैठने वाला ये सेटअप बहुत ही गजब का बसता है, इसीलिए आज आप लोगों के सामने ये सेटअप मैं लेकर आया हूँ। अगर आपने इनके चार टॉप की टेस्टिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। मैंने कुछ दो वीडियोस छोड़ के उसके पहले वीडियो बनाई थी। और अगर आप लोग बेस की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके पहली वाली जो वीडियो है वो बेस की है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग पूरे सेटअप को इकट्ठा ओपन में, आउटडोर में टेस्ट करने वाले हैं। हालांकि टेस्टिंग हम लोग कर चुके हैं लेकिन आप लोगों के लिए एक वीडियो लानी थी, इसीलिए आज लाया हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ऐसे टाइप के और कंटेंट देखने के लिए। और अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नीचे दिए दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं या तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है और इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए इस सेटअप में 400 वाट के डुअल 15 इंच के चार टॉप थे। ये KBX की तरफ से हैं। KBX की वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। ये मॉडल जो आता है वो स्क्वायर कैबिनेट में आता है ताकि आप लोग इसे DJ पे बांधें तो आप लोग बेल्ट वगैरह से इसे पक्का कस सके। बेस तो कमाल ही हो गया, मतलब ऑडियो टोन की ओर से 2000 वाट की बेस। इसका प्रेशर मतलब एक्सपेक्टेशन से ऊपर जब कोई चीज़ काम करती है ना तो उसे यूज़ करने का मज़ा ही अलग आता है, वैसा ही इस बेस में हमारे साथ हुआ। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इस टाइप का बजेगा लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन पार करके ये ऊपर बजने लगा तो मज़ा आ रहा था। और एम्पलीफायर 1201 और 1601 यानी MT1201 और MT1601 NX ऑडियो के ओर से ये कस्टमर की डिमांड पे थे, क्योंकि ये एम्पलीफायरों का नाम ही होता है। क्या मैं बताऊँ, अब इसमें झूठ तो है नहीं कुछ, एम्पलीफायर का नाम चलता है NX ऑडियो के। तो कस्टमर ने वो पसंद किया, हमने उन्हें वही दिया। ये बजट जो है पूरा 3 लाख में हमने सेटअप बिठाने की कोशिश की और बैठ गया। ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन सेटअप बड़ा दमदार बन गया। इसे हमने पहले इंडोर में टेस्ट किया, इंडोर वाली वीडियो आपने देखी हुई है, आउटडोर की वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसे अलग अलग एंगल से शूट किया गया ताकि आपको लंबी रेंज में इसका बेस कैसा आता है वो भी पता लगे और आप नज़दीक अगर खड़े हैं तो इसका वाइब्रेशन कैसा आता है वो भी आप लोगों को पता लगे। देखिए, इसमें सेटिंग का कोई खास बड़ा पार्ट नहीं है। सेटिंग की वीडियो मैं आप लोगों को उसमें दिखा ही रहा हूँ कि कैसे सेट हुआ है, कैसे वायरिंग हुई है। सेटिंग में मैं ये बोलूँगा कि क्रॉसओवर अगर आपका प्रॉपर होता है तो वो कमाल बचता है, और बस यही हमने इसमें क्या बोलेंगे, क्रॉसओवर जो यूज़ किया वो जो फिल्ट्रेशन कर रहा था आवाज़ का वो काफ़ी दमदार हो गया। टॉप में सिर्फ हाई और मिड बजने लगा है जो कि हर क्रॉसओवर करता है, बेस में सिर्फ बेस बजने लगा है। बेस की कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पे आपको पंच और वाइब्रेशन दोनों मिल रहा है 5 इंच वॉइस कॉइल होने के बावजूद भी, तो आप इसे हेडफोन में सुन के फील कर सकते हैं इस वीडियो के साथ। चलिए अब आगे की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी और देता हूं वीडियो दिखाते हुए, और आगे की वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो आइए अब हम लोग इस सेटअप को देखना, समझना और चलाना देख ही लेते हैं। सबसे पहले तो चार टॉप जो हमारे लगे हुए हैं वो हैं KBX की ओर से, जिनमें 400 प्लस 400 वॉट का स्पीकर लगा हुआ है। ये स्क्वायर कैबिनेट होता है यानी चौकोन डब्बा होता है। ये कंपनी फिटेड आता है और इसके ऊपर फुल ग्रिल की जाली लगी होती है। बेस का कैबिनेट हमने कस्टमाइज किया है। बेस में जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं ऑडियो टोन के 2000 वॉट के चार स्पीकर लगे हैं। ये LF सीरीज का कैबिनेट बोला जाता है बेस का, जिसमें उल्टे स्पीकर फिट होते हैं। ये सेटअप की हमने वायरिंग कर रखी है पीछे से, इस वायरिंग को भी मैं आगे आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ।
ये सेटअप की वायरिंग जो आती है पूरी एम्पलीफायर के पीछे कनेक्ट हो जाती है। इसमें 16 गेज की ग्रिल लगी हुई है सभी बॉक्सेस में, ताकि गेज काफ़ी हैवी रहे और ट्रांसपोर्टेशन में धक्का भी लगे तो जाली पे फर्क ना पड़े। दूर से ये चार टॉप काफ़ी अच्छा साउंड करते हैं और बेस के साथ ये तो बिल्कुल धमाका करने के लिए तैयार रहते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसमें 5 इंच का वॉइस कॉइल है स्पीकर में और 280 का मैग्नेट, वो भी Y35 ग्रेड वाला ऑडियो टोन का। इसमें हमने अंदर ग्लास वूल लगा रखा है कैबिनेट में, और मेरी अगर पुरानी वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि ग्लास वूल लगाना चाहिए या नहीं, उसका आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में आंसर दे रहा हूँ वो ये कि अगर आप ग्लास वूल नहीं लगाने का निश्चय कर रहे हैं तो वो बेटर है, क्योंकि लगा हुआ ग्लास वूल जब पंच मारेगा ना बेस आपका, तो पूरा ग्लास वूल बाहर निकल के आ जाएगा, आपके ग्लास वूल की धज्जियाँ उड़ चुकी होंगी जैसे हमारे बॉक्सेस में उड़ी हैं। ओवरऑल सेटअप ये कुछ इस टाइप का भीम काय दिखता है। चारों टॉप एक साथ लगाए गए हैं और बेस नीचे से रखे गए हैं। इस सभी बॉक्सेस को स्क्वायर देने का मीनिंग ये होता है, क्योंकि ये डीजे की जब गाड़ी पे बनते हैं रोड शोज के लिए जाते हैं तो इन्हें बांधना काफ़ी इजी हो जाए। एक ही डीजे बेल्ट पे ये पूरा सेट आप आराम से बांध सकें और ये हिले नहीं। कैबिनेट बेस की थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है तो आप इतना मैनेज कर ही सकते हैं टॉप की कैबिनेट से। इसके अलावा हमने इसको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल इस सेटअप को करने की कोशिश की है। सिंपल का सेंस ये बनता है कि हमने इसमें सिंपल वाला क्रॉसओवर दिया, और ज़्यादा यूज़ में आने के लिए हमने इसे मिक्सर ऐसा दिया कि जो लाइव और डीजे में आए काम में। क्रॉसओवर है नार की ओर से, ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाला क्रॉसओवर होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है और ये टू वे पे रखा जाता है। इस वाले क्रॉसओवर में सिर्फ रेड कलर का लाइट ही दिखना चाहिए। मिक्सर जो कि स्ट्रेंजर की ओर से SXR6 मॉडल का होता है, ये लाइव और डीजे दोनों में शानदार काम करता है और मोड का बटन दबाते से ही इसका ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। 5 और 6 नंबर का जो वॉल्यूम कंट्रोल है उससे ब्लूटूथ का या कि USB का वॉल्यूम कंट्रोल होता है। मास्टर वॉल्यूम दोनों एम्पलीफायर के लिए मास्टर देने के लिए होता है। MT1601 जो कि बेस का एम्पलीफायर है उस पर हमने ऑरेंज कलर की केबल लगा रखे हैं, और इस केबल का अगला पॉइंट जो है वो हम लोग सीधा बेस में लगाएंगे, मतलब कि एक चैनल पे एक बेस ही लगने वाला है। ये देख सकते हैं आप, ये बेस की कैबिनेट है, इसमें एलन की नट बोल्ट से हमने फिट कर रखे हैं स्पीकर्स। अब आइए इसी तरीके से आपको टॉप की वायरिंग समझाते हैं। टॉप का वायर हमने रेड कलर का यूज कर रखा है, और इसका दूसरा पॉइंट जो 1201 में लगा है उसका दूसरा पॉइंट KBX के डुअल 15 टॉप में जाएगा। अब ये टॉप आपस में भी कनेक्ट होने हैं, तो इसीलिए हम लोग 1.5 मीटर वाला स्पीक ऑन केबल यूज़ करके एक छोर इसका एक कैबिनेट में लगाएंगे जिसमें हमने मेन केबल लाया, और दूसरा दूसरी केबल के इनपुट में। अब ये दोनों कैबिनेट्स आपस में कनेक्ट हो गई हैं और ये टॉप 2 ओम्स पे बजने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसके बाद आपको केबल ओपन करने होते हैं जो कि होते हैं XLR मेल फीमेल वाले केबल। इन मेल फीमेल केबल्स को हम लोग क्रॉसओवर से एम्पलीफायर के बीच कनेक्ट करने वाले हैं। ये केबल्स जो होते हैं काफ़ी हैवी गेज की यूज़ किए जाते हैं ताकि इसमें वॉल्यूम ड्रॉप ना हो। XLR मेल फीमेल केबल को हम लोग एक जो पॉइंट है इसका लो फ्रीक्वेंसी आउटपुट में देंगे, आप क्रॉसओवर में देख सकते हैं, यहाँ नीचे आपको लो लिखा हुआ दिखेगा, ये लो फ्रीक्वेंसी है, लो वॉल्यूम नहीं। ये वाला पॉइंट हम लोग देंगे MT1601 के चैनल ए के इनपुट में जो कि XLR वाला है। ये
जी दे दिया हमने इनपुट, उसी तरीके से हम लोग टॉप के एम्पलीफायर का भी वायरिंग करेंगे। एक केबल और ले लिया हमने, और इस केबल का एक पॉइंट जो रहेगा क्रॉसओवर के मिड सेक्शन में जाएगा, जो कि लो फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्ट साइड में दे रखा है। हम लोग एम्पलीफायर्स को पैरेलल मोड पे, यानी कि सिंगल इनपुट डबल आउटपुट वाले सेक्शन पे चलाने वाले हैं, और चैनल ए के इनपुट में हमने लगा दिया ये पिन MT1201 के, और MT1201 के आउटपुट में हम लोग डबल 15 इंच के चार टॉप लगाने वाले हैं 2 ओम्स पे काम करने के लिए। ये 1601 के ऊपर मैंने पॉलिथीन रखा है, और ये एक MT1201 के ऊपर भी मैं रख देता हूं। अब आप लोगों को MT1601 और 1201 पता है कौन सा है। अब हम लोग स्पीकर्स का वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो केबल हमने ऑरेंज वाली यूज करी थी, जो हमने बेस में लगाई थी, उसका एक पॉइंट जो जाएगा वो जाएगा MT1601 के चैनल 1 आउटपुट में, और दूसरे बेस का जाएगा चैनल 2 के आउटपुट में। ये कुछ इस टाइप से लॉक हो गई। दोनों केबल हम लोग अटैच कर देते हैं ताकि हम लोग दोनों बेस को लगा सके। इसी तरीके से हम लोग MT1201 यानी कि 1201 पे हम लोग टॉप के केबल अटैच करेंगे। ये हम लोग रेड कलर की केबल यूज करने वाले हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो केबल होते हैं ये काफ़ी अच्छी गेज के होने चाहिए, वरना ये आपका जो डैम्पिंग फैक्टर है उसे ड्रॉप कर देंगे या वॉल्यूम को ड्रॉप कर देंगे और केबल हीट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग काफ़ी मोटी केबल यूज़ करते हैं। इसके लिए चैनल 1 में जो आउटपुट गया है वो एक डुअल 15 के टॉप में लगेगा, और उसी से फिर दूसरा टॉप जाएगा। दोनों टॉप को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करने वाले हैं। ये उसी तरीके से चैनल बी में जाएगा अब केबल, और दूसरा पॉइंट जाएगा स्पीकर में। जनरली कनेक्शंस जो समझाना एक काफी डिफिकल्ट काम हो जाता है। आप लोग अगर ये कनेक्शन ठीक तरीके से नहीं करते हैं ना, तो आपकी आवाज जैसी आनी चाहिए, जिस प्रकार की सेटिंग आप लोग ढूंढ रहे हैं वैसी मिलती नहीं है। इसके वॉल्यूम जो हैं, अभी तो हालांकि एक एम्पलीफायर के फुल खुले हुए हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि बेस के वॉल्यूम फुल खोले जाएं, और MT1201 जो है, जो टॉप का एम्पलीफायर है, उसके वॉल्यूम 75% तक खोले जाएं। पीछे से एक बार सेटिंग देख लीजिएगा। इसका लिमिटर ऑन किया जा रहा है, सेंसिटिविटी 0.7 वोल्ट पे दी रखी है, मोड इसका पैरेलल है, और फिल्ट्रेशन इसका बाईपास पे रखा गया है। इसका लो कट जो है वो 30 हर्ट्ज का है, उसे ऑन कर देते हैं, और ग्राउंड को भी ऑन करते हैं। ये सेटिंग है MT1201 के एम्पलीफायर का, यानी टॉप के एम्पलीफायर का। अब करते हैं बेस के एम्पलीफायर की सेटिंग। इसमें हम लोग सबसे ऊपर पहले तो मॉडल नंबर देख लीजिए आप, उसके बाद यहाँ पे लिमिटर को करेंगे ऑफ, ऑलरेडी ऑफ है। क्या है कि इक्विपमेंट अगर प्रॉपर होते हैं ना, जल्दी काम होता है। सेंसिटिविटी 0.7 पे ही, मोड जो है वो पैरेलल मोड पे रखा है, इसके बाद ऑपरेशन मोड जो है वो बाईपास पे, लो कट जो है उसे हमने
ऑफ कर दिया है क्योंकि हम लोग 30 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी भी इसमें से चाहते हैं निकालने, और एक स्पेशल बटन जो है वो लो फ्रीक्वेंसी एनहेंसर यानी 100 हर्ट्ज के नीचे वाइब्रेशन वाली जो फ्रीक्वेंसीज है उसको ये एनहेंस करता है और बढ़ाता है। ये सिर्फ ओरिजिनल एनएक्स ऑडियो के MT-1601 में आता है फीचर, और किसी एम्पलीफायर में ये फीचर नहीं है और किसी भी कंपनी के MT-1601 में ये फीचर नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने एक एडाप्टर लिया है जो कि मिक्सर पे कनेक्ट होने वाला है, और उस मिक्सर में ये इस टाइप का 3 पॉइंट वाली पिन है जो कि हम लोग लगा देंगे, और लगा के आप लोगों के सामने इसे कनेक्ट कर देंगे। अभी लाइव और डीजे के लिए दोनों के लिए प्रिपेयर हो गया है सेटअप। ये केबल जो जाएगी ये तो इलेक्ट्रिसिटी में जाएगी। मिक्सर से आपको एक केबल देना होता है आउटपुट का जो कि जाएगा क्रॉसओवर में, वो हमारा रहेगा कुछ इस टाइप का केबल, देखिएगा। येलो कलर का, नहीं नहीं ग्रीन कलर का, जी ग्रीन कलर का केबल है, और इसके एक पॉइंट पे XLR पिन दे रखी है और दूसरे पॉइंट पे जैक पिन दे रखी है। हम लोग जैक पिन लगाएंगे मिक्सर में आउटपुट सेक्शन में जो कि ऊपर की साइड होता है, दोनों में से किसी में भी चलता है, लेफ्ट और राइट होता है, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को अगर डीजे बजा रहे हैं तो। और दूसरा पॉइंट जाएगा हमारे क्रॉसओवर के इनपुट सेक्शन में। क्रॉसओवर के सारे बटन्स ना आपको हाफ रखने हैं पहले तो, क्योंकि ये सेटिंग है इसका, आधी गेन में ये बहुत अच्छा काम करेगा, आधे से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपको डिस्टॉर्शन लेवल मिलना स्टार्ट हो जाता है, और कम रखेंगे तो वॉल्यूम कम आएगी। इनपुट सेक्शन देखिए आप, इस टाइप से हमने इनपुट कर दिया, बहुत इजी वायरिंग आप लोग देख ही सकते हैं, एक ही केबल इनपुट किया है जो मिक्सर से क्रॉसओवर में गया है। आप लोगों को एक बार मैं एम्पलीफायर के बैक पैनल की और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। आइए, यह है एम्पलीफायर का बैक पैनल, इसमें ये वाले पॉइंट्स भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें खुले वायर लगते हैं। लिमिटर हम लोग जो बेस का एम्पलीफायर है उसका ऑफ रखते हैं और टॉप के एम्पलीफायर का ऑन रखते हैं। मोड पैरेलल यानी कि एक इनपुट करके दोनों आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं। फिल्ट्रेशन को हम लोग इसमें से बाईपास पे रखते हैं ताकि ये फुल रेंज पे काम करें, और हम लोग एक्सटर्नल क्रॉसओवर यानी कि एक्टिव क्रॉसओवर लगा के इसमें से उस टाइप का आउटपुट निकालें। लो कट 30 हर्ट्ज ऑफ रख रहे हैं, और ये ओरिजिनल एनएक्स ऑडियो का ब्रांडिंग और हॉलमार्क दे रखा है। इसकी केबल पे थोड़ी ख्याल कीजिए, काफी मोटा केबल दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी में इनपुट करने के लिए, और इस पे पिन लगी हुई है। तो अब जल्दी से अपने हेडफोन पहन लीजिए ताकि एक दमदार टेस्टिंग आप लोग एक्सपीरियंस कर सकें। बारिश आई हुई है और हम लोग फिर भी इसमें शूट लिए जा रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग बहुत जरूरी है, वीडियो के शेड्यूल को पूरा करना होता है, और आप लोगों को मैं इसलिए थोड़ा सा पीछे लाया हूँ, आप लोगों को मेरी आवाज़ शायद ठीक से आ रही होगी, बारिश चल रही है, मैं पीछे आया हूँ थोड़ा सा सेटअप के, और वो इसलिए आया हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक ब्यूटीफुल सा रेनबो दिखा सकूँ। ये देखिए, ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ रेनबो बन गया है जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा रेनबो दिख रहा है। ये आज का अप्रतिम टेस्टिंग हो गया हमारा, ये देखिए सेटअप ढक के रखा है पूरा, ये हालत हो जाती है हमारी जब हम लोग सेटअप को चेक करने आते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं हमें, लेकिन अब क्या है आप लोगों के लिए करना ही पड़ता है। चलिए आगे लेता हूँ टेस्टिंग, पानी रुक सा गया है तो चलिए करते हैं आगे टेस्ट।
अच्छा लगा ना सेटअप आप लोगों को भी। वाकई ये सेटअप बचता है, मतलब ऐसे ऐसे एरियाज में नाम कर देगा ये जहाँ पे वाकई कड़क कंपटीशन का ज़माना है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपको नोट करनी होती है कि दोनों एम्पलीफायर के लिए आपको जनरेटर कौन सा यूज़ करना है, स्टेबलाइजर कैसा यूज़ करना है। एक मोटा मोटी अगर मैं बात बताऊं तो लगभग 12 से 15 किलो का आपको स्टेबलाइजर यूज़ करना होता है और उससे थोड़ा अबव का जनरेटर, यानी कि अगर आप लोग 12 किलो का स्टेबलाइजर यूज़ कर रहे हैं तो 15 केवीए का आपको जेनसेट लगता है। अगर आप लोग 15 किलो का जेनसेट स्टेबलाइजर यूज़ कर रहे हैं तो आपको 20 किलो का जेनसेट लगता है, सब्जेक्ट टू कि आप लाइटिंग उस पर नहीं लगा रहे हैं, लाइटिंग अलग से लगा रहे हैं। यस, अगर आप लोग इसमें लाइटिंग लगाना चाहते हैं तो इसमें चार चांद लग जाएगा, चार शार्पी के साथ अगर इसे लगाते हैं तो। खैर, ये सेटअप का जो था इसके साथ हमने 5-5 मीटर की वायरिंग दे रखी है और वायरिंग इतनी सफिशिएंट है, अगर आप लोग रोड शो कर रहे हैं, अगर आप लोग लंबी लेंथ भी लगाते हैं ना तो आपको काफ़ी हैवी गेज का वायर देना पड़ रहा है, क्योंकि इतना अच्छा डैम्पिंग फैक्टर हम लोग वेस्ट थोड़ी करेंगे कम गेज वाली केबल लगा के, इसीलिए आपको वो ध्यान रखना होता है। हमने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा और आखिर में फाइनली एक क्या बोलेंगे गजब का सेटअप आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आए। आशा करता हूं कि आपको आज इस वीडियो को मतलब मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है और आप लोगों को पसंद आई है। ऐसी वीडियोस और भी मैं लाने वाला हूं, आप लोग तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आज की वीडियो अगर आप लोग शेयर करेंगे तो बहुत ही शानदार काम हो जाएगा। वैसे महाराष्ट्र में हमारी शॉप है और डिस्क्रिप्शन में ऑफिस नंबर दे रहा हूँ। अगली वीडियो में मिलता हूँ, थैंक यू गाइस। Thank you.